व्रत में खाने के लिए कई तरह से कई चीजों का हलवा बनाया जाता है, जिसमें से आलू का हलवा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के हलवे की रेसिपी। इसको हम व्रत में खा सकते हैं या जब भी आपका मन करे तो बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आलू का हलवा है तो आलू के हलवे में थोड़ा सा घी ज्यादा लगता है। और जैसे ही घी गर्म होगा, इसमें 2 मीडियम साइज का आलू इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहें तो हाथ से बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। तो एक आलू मैंने डाल दिया है और एक आलू और इसमें डाल देंगे। अब लोग गैस फ्लेम पे चलाते हुए इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा इसको भूनने में। जितना बढ़िया इसको भूनेंगे हलवा उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से फैलाते हुए अच्छी तरह से मसल मसल के आलू को खूब अच्छे से इसको भूनेंगे। अभी आपको इसमें घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये आलू भूनेगा घी और ज्यादा दिखने लगेगा। तो इसको कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है भूनने में। इसको स्पैचुला से या कलछी से इस तरह से मसल मसल के भूनेंगे ताकि कहीं भी आलू का कच्चापन ना आए, अच्छे से भून जाए। आप अगर हलवे में ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो पहले इसी घी में ड्राई फ्रूट को भून लीजिए, उसके बाद आलू भूनिए। लेकिन मैं आज बिना ड्राई फ्रूट के ही हलवा बनाऊंगी। तो आप देख पा रहे होंगे आलू कितना ज्यादा घी छोड़ दिया है और घी बहुत ज्यादा दिखने लगा है। बहुत अच्छे से आलू भून गया है और कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे टेस्ट के लिए। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें। और लो गैस फ्लेम पे इसको चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। तो चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, हलवा आपको दिख रहा होगा अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया कलर आया है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। आलू को बहुत अच्छी तरीके से घी में भुने हैं, जिसकी वजह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर से भी डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं, देखने में और अच्छा लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया हलवा बना है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आलू के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।